और इस वक्त की बड़ी खबर, अजय मिश्रा गृह मंत्रालय पहुंच गए हैं। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि लखीमपुर मामले को लेकर सियासत जारी है और इस बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा अपने दफ्तर पहुंच गए हैं। न्यूज 18 के अमित पांडे की खबर है कि वो अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं, जिसमें वो उन्हें लखीमपुर खीरी की जो घटना है उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो न्यूज 18 के अमित पांडे की यह खबर है जो कि हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर लखीमपुर खीरी मामले को लेकर, जानकारी के मुताबिक अजय मिश्रा आज अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं और इस मुलाकात में लखीमपुर खीरी की पूरी घटना के बारे में वो जानकारी दे सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, एक तरफ सियासत जारी है। अमित पांडे हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए। अमित, क्या कोई जानकारी मिल रही है, कैसे ये मुलाकात यहाँ पर हो सकती है और किस तरह से इस मुलाकात को लिया जाना चाहिए? देखिए, अब से थोड़ी देर पहले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा पहुंचे हैं और अब उनकी गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात हो सकती है। और अभी फिलहाल वह गृह मंत्रालय में अपने जो भी जरूरी काम वह कर रहे हैं, दफ्तर में अपनी जो मीटिंग है वो कर रहे हैं। फिलहाल इस प्रकरण को लेकर पहले ही काफी गंभीर दिखे हैं बीजेपी और उन्होंने अपनी समय समय पर अपना पक्ष रखा है। और अब ये पूरी उम्मीद ये की जा रही है कि दिल्ली पहुंचने के बाद गृह राज्य मंत्री अपना पक्ष रख सकते हैं, आला नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं और क्या ये पूरा प्रकरण हुआ उसकी जानकारी भी दे सकते हैं। बिल्कुल अमित, क्या इस मुलाकात के बाद कुछ फैसले भी यहाँ पर सामने आ सकते हैं, क्योंकि लगातार विपक्ष बहुत सी मांगों पर अपनी अड़ा हुआ है और लखीमपुर खीरी की तरफ जाने की रुख पर, इस पर जिद पर वो अड़ा हुआ है। ऐसे में इस पूरे घटनाक्रम के बीच में इस मुलाकात के कितने ज्यादा अहम सियासी मायने हो जाते हैं? देखिए, बहुत ही अहम पूरी मुलाकात अभी उन्होंने अपना पक्ष वहां पर रखा था, लखीमपुर में रखा था, लेकिन पहली बार वो दिल्ली आए हैं और बतौर गृह राज्य मंत्री दिल्ली पहुंचे हैं। इस पूरे के पूरे प्रकरण के सामने आने के बाद तो उम्मीद यही की जानी चाहिए कि जब वो आला नेताओं से मिलेंगे तो अपना पक्ष सिलसिलेवार तरीके से रखेंगे, जिस तरीके से वह अपना पक्ष मीडिया के सामने रख रहे थे लखीमपुर में पिछले कुछ दिनों से। तो अब ये देखना होगा कि किन किन नेताओं से इनकी मुलाकात होती है, कब कब होती है और कितनी देर की होती है मुलाकात। तो मुलाकात आखिर कितनी देर की होती है और इस मुलाकात में लखीमपुर घटना को लेकर क्या कुछ बताते हैं, उस पर भी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि बेहद खास नजर हमारी टिकी हुई है। अमित, क्या कुछ आप इसे लेकर यहाँ पर कहेंगे, क्योंकि इस मुलाकात पर अब नजरें टिक गई हैं, मीडिया से मुखातिब हो चुके हैं, अपनी बात यहाँ पर बता चुके हैं, मौके पर मौजूद नहीं थे इसके बारे में भी जानकारी दे चुके हैं, लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। ऐसे में जो ये मुलाकात होगी, क्या आपको लगता है कि इसमें किस तरह से वो अपनी बात यहाँ पर रखते हुए नजर आएंगे? पहले ही उनकी ओर से रुख सामने आ चुका है, उनके बेटे की और उनकी भूमिका जो ये दर्दनाक मौत हुई है उसमें सीधे तौर पर नहीं है, और जब भी जांच इस पूरे के पूरे मामले में होगी वह सहयोग करने को तैयार है। न्यूज 18 इंडिया पर ही सबसे पहले गृह राज्य मंत्री की प्रतिक्रिया सामने आई थी फोन के द्वारा, उसके बाद फिर हमारे कैमरे के सामने भी आकर उन्होंने बोला था और अब ये दिल्ली यहाँ पर आए हैं। तो जैसे जैसे उनकी पूरी मूवमेंट होगी हम उनको लगातार फॉलो करेंगे, आला नेताओं से मुलाकात करेंगे, सिलसिलेवार तरीके से वह पूरी की पूरी चीज़ों को बताएंगे और जो अपना पक्ष है, अपने बचाव में चीज़ें हैं वह आला केंद्रीय नेतृत्व के सामने रखेंगे। इसीलिए हम ये देखेंगे कि पिछले कुछ दिनों से बीजेपी की ओर से चलिए अब नजर अमित बनाए रखेगा इस मुलाकात पर, आगे भी आपसे अपडेट यहाँ पर लेते रहे।